तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन में। नौफीक न्यूज़, नौफीक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो गाइस, आपको पता है फ्री फायर ने जो OB37 के अपडेट के बाद गेम के अंदर काफ़ी सारे नए नए चेंजेस किए थे। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो लोड आउट वगैरह दिए जाते हैं गेम के अंदर, उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लोड आउट के चेंजेस, मतलब डिज़ाइन वगैरह चेंज किए गए। साथ ही में उनके अंदर जो आइटम्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना रीसप्लाई मैप होता था, उसे जो है सीक्रेट क्लू का नाम वगैरह दे दिया गया। ठीक है, ये वाला जो है ये रीसप्लाई मैप होता था। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वही काम करता है, बस इसका नाम जो है यहाँ पे सीक्रेट क्लू दे दिया गया। ठीक है, मतलब काफी हद तक चेंजेस किए गए। साथ ही में तो फ्री फायर ने एक अच्छा अपडेट ये भी दिया था कि ये जो सारे लोड आउट है ना, हम इन्हें CS रैंक में भी यूज करते, CS या CS रैंक दोनों में यूज कर सकते। उसी के साथ साथ दोस्तों लोड आउट का एक बुरा अपडेट भी दिया था फ्री फायर ने, जिसमें उन्होंने क्या किया कि हम मान लीजिए BR रैंक खेलने जाते तो उसके अंदर जो कोई भी एक ही लोड आउट सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखते मैं एक ही लोड आउट सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, उसके बाद अगर दूसरा करना चाहता तो दूसरा सिलेक्ट नहीं होता। पहले वाला सिस्टम अच्छा होता तो हम जो दो लोड आउट यूज कर लेते थे एक ही मैच के अंदर। ठीक है, बट अब जो है यहाँ पे एक ही लोड आउट यूज कर पा रहे हैं, तो कोई मैं नहीं दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो है एक साथ दो लोड आउट कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते कि हम एक साथ दो लोड आउट कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पर नए और पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल SPS गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को व्यू नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी सबको बता दूं कि हम जो है गेम प्ले के अंदर जो दो लोड आउट एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। तो जैसे कि गाइस आपको ये तो पता ही नहीं कि OB37 के वीडियो फ्री फायर ने क्या किया कि हम जो किसी भी गेम प्ले में मोड करने जाए वहाँ पे हम जो एक ही लूट आउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले ग्रीना ने गेम के अंदर एक फिर से अपडेट दिया, मतलब कि दोस्तों जो BR का सीन 31 जिस दिन लॉन्च हुआ था ना 9 दिसंबर को, उसी दिन गेम के अंदर एक फिर से अपडेट दिया लूट आउट्स को लेकर, जिसके अंदर फ्री फायर ने क्या किया कि हम जो कोई भी एक लूट आउट को सिलेक्ट करें ना, तो वो लूट आउट जो दो लूट आउट का काम करेगा। मतलब कि दोस्तों एक लूट आउट हमने ले लिया ना, तो वो दो लूट आउट का काम करेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे समझ लिए दोस्तों, हम पहले क्या करते थे OB37 के अपडेट के पहले से, हम क्या करते थे, मान लीजिए हम जो BR रैंक के अंदर गेम प्ले करना चाहते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे दो लोड आउट लेते थे। एक तो मेरा परमानेंट ही होता था, मैं स्कैनर जरूर सिलेक्ट करता था ताकि मैं एरोप्लेन में हूँ, मुझे पता चल जाए कि एरोप्लेन में से कितने बंदे उतर चुके हैं, कितने उसमें रह रहे हैं। और साथ ही में जब हम उतरते थे एरोप्लेन से, तो वहाँ पे बंदे भी स्कैन करके बताता था कि कौन हमारे पीछे आ रहा है। ठीक है, ये काम होता था स्कैनर का, तो मैं जरूर लगाता था। साथ ही में जो दूसरा लोड आउट सिलेक्ट करता था ना OB37 के अपडेट से पहले, तो मैं एक बाउंटी टोकन सिलेक्ट कर लेता होता था। ठीक है, या बाउंटी टोकन कर लेता था, अगर वो नहीं होता तो मैं ये यहाँ पे ये बॉनफायर वगैरह सिलेक्ट कर लेता था, या फिर ये वाला एयर ड्रॉप वाला होता है ना, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लेता था। मतलब मैं एक स्कैनर तो परमानेंट ही रखता था BR रैंक जब भी खेलता था। ठीक है, तो इसी टाइप से दोस्तों ग्रीना ने अभी अभी क्या किया, 9 दिसंबर से जो गेम के अंदर अपडेट थी ना, उसमें क्या कहा कि ग्रीना ने कहा कि अगर आप जो मान लीजिए ये वाला लोड आउट लेते हैं, जैसे मैं बाउंटी टोकन लगा लेता हूँ, ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे आप गेम प्ले करने जाएंगे ना, तो ये बाउंटी टोकन वाला काम तो करेगा, जो बाउंटी टोकन का लोड आउट है वो वाला काम तो करेगा। आपको पता बाउंटी टोकन क्या करता है, जैसे हम किसी बंदे को किल करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो क्रेट बनती है ना, ठीक है, उसके अंदर से हमें और भी अच्छी अच्छी गन वगैरह देखने को मिलती है, और भी अच्छी अच्छी लूट देखने को मिलती है, ये बाउंटी टोकन का काम है। ठीक है, अब ये जो बाउंटी टोकन अगर आप लगा के जाएंगे ना अब, तो क्या होगा दोस्तों, बाउंटी टोकन का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही में दोस्तों ये स्कैनर का भी काम करेगा। जो स्कैनर का काम होता था ना ये वाला, वो वाला काम भी ये करेगा बाउंटी टोकन, मतलब कि एक लूट आउट जो है वो दो लूट आउट का काम करेगा। भले ही आप दोस्तों जो बाउंटी टोकन लगा जाए, चाहे आप ये वाला ये लगा के चल जाए सीक्रेट ग्लू, या फिर कोई भी बाउंटी टोकन लगाकर चल जाए, वो जो है स्कैनर का काम अब करेगा ही करेगा। तो ये अपडेट दिया ग्रीना फ्री फायर ने। तो गाइस, अभी मैं आपको गेम प्ले में जाकर भी दिखा देता हूँ। अभी मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो है ये सीक्रेट क्लू ले लेता हूँ। ठीक है, ये सीक्रेट क्लू ले लिया। अभी देखना, ये मैंने लोड आउट सिलेक्ट किया ना, अभी मैं जो है BR में, नॉर्मल BR में आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल BR में गेम प्ले करने जाता हूँ, और देखना दोस्तों वहाँ पे मैं सीक्रेट क्लू भी यूज करूंगा, साथ ही में जो मेरा स्कैनर का भी काम करेगा। तो गाइस, अभी आप देखते हैं मैं जो है गेम प्ले में आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं मैंने जो है सीक्रेट क्लू लगाया हुआ है। ठीक है, तो सीक्रेट क्लू वाला लोड आउट लगाया, यहाँ पर देखते जैसे मैंने मैप ओपन किया, वो रहा मेरा सीक्रेट क्लू वाला लोड आउट। ठीक है, तो अब मैं जो है वहाँ पर जाऊँगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर देखते मैंने सीक्रेट क्लू है, और यहाँ पर देखते यहाँ पर ये भी बता रहे कि प्लेन में कितने जो प्लेयर्स हैं वो बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते मतलब कि यहाँ पर देखते स्कैनर का काम भी हो रहा है। देखते यहाँ पे मैप में देखते वो यहाँ पे स्कैनर का काम भी कर रहा है, जो हम स्कैनर लोड आउट लगाते थे जो वो काम करता था, वो अब जो सीक्रेट क्लू वाला लोड आउट भी काम कर रहा है। मतलब कि दोस्तों देखते
सीक्रेट क्लू वाला मैंने लगाया तो वो उसका जो काम है वो तो वो कर ही रहा है, साथ ही मैं स्कैनर का भी काम कर रहा है, तो ये काफ़ी ओपी वाला सिस्टम कर दिया। देखते यहाँ पे मैं नीचे लैंड कर रहा हूँ तो मेरा सीक्रेट क्लू मुझे देखने को मिल जाएगा, उसे मैं ओपन करूँगा तो मुझे जो है आर्मरी वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो ये काफ़ी ओपी सिस्टम है। ठीक है, तो ग्रीना ने क्या किया कि जो स्कैनर होता है वो ज़्यादातर प्लेयर यूज़ करते ही करते हैं परमानेंट एक लोड आउट में और दूसरे में कोई अदर वाला लोड आउट यूज़ करते हैं, तो फ्री फायर ने क्या किया कि जो स्कैनर लोड आउट है ना उसे सभी लोड आउट में ऐड कर दे, भले आप कोई भी लोड आउट लगाए तो वो जो है वो वाला काम तो करेगा ही करेगा बट साथ में जो स्कैनर का भी काम करेगा, तो ये काफ़ी ओपी फीचर लगा मुझे। ये काफ़ी अच्छा अपडेट किया गेम के अंदर फ्री फायर ने जब जो है हमारा बी आर का 31 आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। अब दोस्तों आप सोच रहे अगर जो है स्कैनर का काम सारे लोड आउट करें तो फिर स्कैनर क्या करेगा, तो मैं आपको बता दूँ जो स्कैनर है ठीक है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो स्कैनर वाला काम तो करेगा जो पहले करता था, जो कि अब सभी लोड आउट भी करने लग गया एक साथ। ठीक है, तो वो काम करेगा करेगा, साथ में उसको स्कैनर का ये मतलब है कि अगर आप स्कैनर लगा कर जा रहे हैं तो वो आपको जो है एक छोटा मिनी यूएवी होता है ना वो आपको दे देगा। ठीक है, देख भी पा रहे होंगे अभी इसी टाइप से जैसे ही आप मैप के अंदर एंटर होंगे। ठीक है दोस्तों, आप जब एरोप्लेन में होंगे तो वहाँ पे आपको स्कैन करके तो दिखाएगा कि एरोप्लेन में इतने बंदे, जैसे ही आप नीचे उतर जाएंगे ठीक है मैप के अंदर आ जाएंगे जमीन पर उतर जाएंगे तब आपको जो एक मिनी यूएवी दे देगा। ठीक है, तो ये आप स्कैनर का काम हो चुका है। ठीक है, तो वैसे भी यार ये मिनी यूएवी हमें जो है एयरड्रॉप से मिल ही जाते हैं अगर गेम के अंदर जो गिरते हैं, वैसे अब आपको स्कैनर का यही काम देखने को मिलेगा। मतलब ये काफ़ी अच्छा अपडेट दिया ग्रीना फ्री फायर ने कि हम जो है कोई भी एक लोड आउट लगा ले उसके साथ जो है स्कैनर का काम करेगा करेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं अगर आप कोई भी लोड आउट सेलेक्ट करके नहीं जाते ऐसी बी आर रैंक में चले जाते तो वहाँ कोई भी स्कैनर वगैरह स्कैन वाला काम नहीं होगा। ठीक है, आपको एक लोड आउट लगा कर ही जाना पड़ेगा तभी जो है स्कैनर का काम होगा। अगर आप बिना लोड आउट लगाए जो गेम प्ले करने चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई स्कैनर का काम नहीं होगा, आपको कोई बंदे शो नहीं होगी एरोप्लेन में कितने, इसलिए दोस्तों आपको लोड आउट एक तो एक यूज़ करना ही है, उसके साथ वो स्कैनर का भी काम करेगा, उसका जो अपना काम है वो तो वो करेगा ही करेगा। तू समझा? हाँ। तो गाइज ये जो अभी चेंजेस किए ना जो अपडेट दिए ग्रीना फ्री फायर ने जिस दिन हमारा बी आर आई का सीन 31 आया था तो वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कल सारा आपको बता दिया था कि किस टाइप से ये सब मतलब यूज़ करना है, क्या क्या फ्री फायर ने चेंजेस किए, तो एक बार दोस्तों आप उस वीडियो को भी जाकर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्री फायर ने क्या क्या चेंजेस किए, इन्होंने कितने अच्छे चेंजेस किए दोस्तों, जिससे आपका जो बी आर रैंक अगर आप खेलते ना तो आप जो है आसानी से जो गोल्ड से मास्टर रैंक पर आ सकते हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे अपडेट किए ग्रीना फ्री फायर ने। तो एक बार दोस्तों आप उस वीडियो को भी जाकर देख लेना, उसमें मैंने सारे अपडेट के बारे में बताया जो कि हमें जो 9 दिसंबर को देखने को मिले थे जब हमारा बी आर रैंक का सीन 31 आया था, तो एक बार जाकर देख लेना। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको जो आई बटन पर मिल जाएगा, तो जाकर जरूर से उस वीडियो को देख लेना। ओके तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद और पता चल गया कि हम जो है एक साथ जो है दो लोड आउट कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीना ने अपडेट दिया वो काफ़ी अच्छा अपडेट है तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।